संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज देशव्यापी आंदोलन की घोषणा थी। उसी के तहत आज बहुत सारे संगठन बरेली के किसान एकता संघ, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ डॉक्टर रवि नागर, और मजदूर मंडल और किसान सभा, सभी लोग आज संयुक्त रूप से यहाँ बैठकर जो 3 कृषि काले कानून हैं, सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। लगातार 10 महीने आंदोलन करते हुए हमको हो गए। उसी रोष में संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर आंदोलन को धार देने के लिए भारत बंदी का आह्वान किया। उसी के तहत आज दामोदर सहरू पार्क बरेली में हम तमाम साथी संयुक्त रूप से बैठे हैं और सरकार से ये मांग की है और विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है, और बरेली के बाज़ार को बंद करने का काम आज हमने किया। जो लोग हमारे हितैषी थे, किसान हितैषी थे, मजदूर हितैषी थे, उन्होंने अपने संस्थान बंद रखे हैं, लेकिन जो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसान विरोधी लोग हैं, उनकी दुकानें खुली हुई हैं आज, इसलिए हम यहाँ आए। भाई लक्ष्मण राणा जी, कितने भी लोग साथी आए हैं हमारे बुलावे पर, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आप लोग इकट्ठे। आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करेंगे जब भी किसान की बात हो।